हाय गाइस गाइस दिस शक्ति फ्रॉम तो बाबा एक सवाल आता है कि शक्ति भाई स्कैल्पिंग में आप लोग इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हो क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है गाइस स्कैल्पिंग में छोटे प्रॉफिट छोटे लॉसेस करके ट्रेड लिए जाते हैं देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूं जिन लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में नहीं पता स्कैल्पिंग जो है वो नए ट्रेडर्स के लिए नहीं होता स्कैल्पिंग जो है बिगनर्स के लिए नहीं होता क्योंकि स्कैल्पिंग में एंट्री और एग्जिट भी जल्दी करना पड़ता है फटाफट फट से ट्रेड लिया जैसे ही मौका मिला एंटर किया और फटाफट फट से पैसे बनते ही एग्जिट कर लिया अगर पैसे नहीं बन रहे तो छोटा सा लॉस लेके एग्जिट कर लिया जो कि एक नया ट्रेडर नहीं कर सकता ये काम होता है इंस्टीट्यूट्स का जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके पास सिस्टम होते हैं एल्गोज होते हैं जो ऑटोमेशन के थ्रू ये ट्रेड्स लेते हैं या फिर आर्बिटेजर्स ये काम करते हैं पर एक नया ट्रेडर एक बिगनर एक इंडिविजुअल उसको कभी भी स्कैल्पिंग सूट नहीं करती तो हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं पर इन अ सीटी वे हमारा जो स्कैल्पिंग करने का तरीका है वो काफी अलग है गाइस स्कैल्पिंग के बारे में जैसे कि मैंने बोला कि वहां पे छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉसेस लिए जाते हैं हम स्कैल्पिंग को हाफ अवे फॉलो करते हैं हम उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करते इस टर्म को जैसे कि बताया कि छोटे स्टॉप लॉसेज हम छोटे स्टॉप लॉसेज तो लगाते हैं छोटे लॉसेज में एग्जिट तो करते हैं पर जहां पर हमारा पैसा बन रहा होता है वहां पर हम एग्जिट ही नहीं करते क्योंकि हम एल्गो के थ्रू काम नहीं करते अगर देखो एक और चीज भी है अगर कोई इंडिविजुअल सोचता है कि भाई मैं अपना एल्गो लगा लूंगा मैं ऑटोमेशन कर लूंगा मैं कोई सॉफ्टवेयर बनवा लू जिसके थ्रू मैं फटाफट से छोटे लॉस से छोटे प्रॉफिट लेके एग्जिट करूँ उसमें भी आपका पैसा नहीं बनेगा क्यों क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो दस पंद्रह पॉइंट की गेम खेल रहे हो दस पॉइंट पे आपको कितने पैसे मिलेंगे एक लॉट के अंदर ढाई अगर आपका प्रॉफिट बना तो लॉस भी तो हो सकता है 250 का उसके अगेंस्ट 250 का अगर प्रॉफिट बनता है 250 का अगर लॉस होता है एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस भाई उस पर खर्चा भी तो लग रहा है आपका 250 में से आपके अकाउंट में कितने आने वाले हैं कुछ तो ब्रोकरेज चले जाएगी कुछ टैक्सेस चले जाएंगे और अगर आप ढाई सौ रुपए कमाते हो ढाई सौ रुपए आपके अकाउंट में नहीं आ रहे जो आप ढाई सौ रुपए गवा रहे हो उस टाइम पे आपके अकाउंट से सिर्फ ढाई सौ रुपए नहीं जा रहे उसके अलावा जो टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं उसके अलावा जो ब्रोकरेज पे करनी पड़ रही है तो इसीलिए जो एक छोटा ट्रेडर है एक इंडिविजुअल है जिसको काफी सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं काफी सारे ब्रोकरेजेस पे करनी पड़ती है वो स्कैल्पिंग के थ्रू जो एक जनरल टर्म में स्कैल्पिंग बोला जाता है कि छोटे लॉस से छोटे प्रॉफिट उसमें पैसा नहीं बना सकता ये गेम होती है आर्बिट्रेजर्स की जिनको एक लिमिट मिलती है जिनके चार्जेस काफी कम लगते हैं जिनको ब्रोकरेजेस पे नहीं करनी पड़ती वो लोग खेलते हैं ये गेम छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे लॉसेज के साथ तो इसीलिए हमने अपने

इन्होंने मार्केट के टूटने का वेट किया यहां पे दिख भी बिरा और यहां पे ये मेंशन कर रहे हैं एचपी तो इस टर्म से कंफ्यूज मत होना कंसेप्चुअल एचपी नहीं है ये एलपी स्कैल्प है एचपी हम तब करते हैं जब हाईएस्ट प्राइस पे जब हम ऑप्शंस को बेचते हैं इन्होंने क्या किया है लोएस्ट प्राइस पे ऑप्शन को खरीदा है मैं यहां पर अगर ट्रेड लेता तो मैं क्या करता अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है पुटे जब अपने हाइएस्ट प्राइस पे चल रही है तो हाइएस्ट प्राइस पे मैं उसको बेचूंगा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ राइट टाइम पर जब मुझे एंट्री मिलेगी तब और उसके भाव के कम होने का वेट करूंगा जब मार्केट रिकवर करेगी ऊपर जाएगा तो बुट का भाव गिरेगा और मुझे वहां पर प्रॉफिट होगा पर इन्होंने क्या किया जैसे कि इनकी पता चलता है कि ये कम कैपिटल से काम करते हैं साइड पे ट्रेड करना पसंद करते हैं तो ये ऑप्शनों खरीद के चलते जब मार्केट गिरती है टूटती है उस टाइम पे इनकी इनके रडार में आती है कॉल्स जैसे कि यहां पे इनके रडार में आई इकतालीस नौ सौ कॉल जिसको इन्होंने खरीदा 430 के भाव पे यहां पे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो कितना स्टॉप लॉस होता है इनका सिर्फ उसे सिर्फ चालीस पॉइंट का एज पर आर सेटअप इससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं बनता इतनी बड़ी स्ट्राइक प्राइस में भी चार वाली स्ट्राइक प्राइस में चालीस पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस इसमें नहीं बनता क्योंकि हम यहां पे स्कैल्पिंग करके चल रहे हैं ये एचपीएलपी स्कैल्प है और इसमें जो टारगेट है गाइस इनिशियल टारगेट ही तीन गुना होता है जहां पे आधी क्वांटिटी एग्जिट की जाती है रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करते हैं और ज्यादा बड़े लेवल के लिए पर इन भाई ने जो एग्जिट किया है पांच के लेवल पे किया है देखते हैं यहाँ पे कुछ कह भी रहे थे ये देखिए भाव जो है इसका 606 तक चला गया यहां पे इन्होंने 580 के भाव पे प्रॉफिट बुक नहीं किया भाव जो था और भी ऊपर चला गया 606 के भी आगे जाने का वेट कर रहे थे वहां से 700 हो सकता था 800 हो सकता था वहां पे ये होल्ड ही करते इसको पर जब वहां से पलटने लगा इन्होंने 580 के भाव पे एग्जिट कर लिया और अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया और मार्केट में दोबारा मौका मिलता है वहां पर एंट्री कर सकते हैं राइट तो ये शबीर भाई का ट्रेडिंग करने का तरीका है ये एचपीएलपी पसंद करते हैं इस तरह के ट्रेड ही ज्वाइन लेते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड भी इनका तो ये भी इनका एलपी स्कैल्प ट्रेड ही है जहां पे इनका अठतीस हजार रुपए का प्रॉफिट बना इन्होंने यहां पे क्या किया अब यहां पे देखो यहां पे भी इन्होंने यही किया है जब मार्केट ऊपर चल रही थी पुट के भाव जो थे गिरे हुए थे उस टाइम पे जब मार्केट पलटने लगी तो इन्होंने एक एलपी स्कैल्प ट्रेड लिया पुटो खरीदा 380 के भाव पे इन्होंने एंटर किया यहां पे इनका स्टॉप लॉस जो था सिर्फ 10 परसेंट का मतलब 38 पॉइंट का था उसके अगेंस्ट कितने पॉइंट निकल गए 550 अगर इस तरीके से काम करोगे तो स्कैल्पिंग में भी पैसा बन जाएगा तो मेरे भाई स्कैल्पिंग काफी सारे लोग आजकल स्कैल्पिंग करते हैं इंट्रा डे के अंदर ट्रेड कई ट्रेड उनके सही जाते हैं कई ट्रेड गलत जाते हैं फिर भी उनका अकाउंट में पैसा नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि उनको पैसे बहुत ज्यादा पे करने पड़ जाते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस ब्रोकरेजेस और एक और चीज अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो छोटे प्रॉफिट में तो एग्जिट कर रहे हैं पर छोटे लॉस में जहां पर स्कैल्पिंग का रूल है कि आपको छोटे लॉसिस ही लेने हैं फटाफट एग्जिट करना है अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट आ रहा है वहां पर वो एग्जिट ही नहीं करते तो इसीलिए स्कैल्पिंग की तरफ मत भागो किसी भी तरह से अपने ट्रेड लो कोई भी सेटअप फॉलो करो वहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड के थ्रू खेलो आप स्कैल्पिंग के छोटे छोटे लॉसेज तो फॉलो कर सकते हो पर प्रॉफिट जो है आप एक रूल बना लो कि प्रॉफिट भाई मुझे दुगना तिगना चाहिए ही है नहीं तो मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा मैं सिर्फ ब्रोकर के लिए काम कर रहा हूं मैं सिर्फ रेगुलेटरी के लिए काम कर रहा हूं सभी के लिए काम कर रहा हूं और उनको पैसे देते जा रहा हूं राइट चलिए शबीर भाई बहुत ही बढ़िया और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो एल स्कैल्प को लेके या एच पी स्कैल्प को लेके तो वीडियो रेफर कर सकते हो भाई पार्ट टू वाली जितने भी कंसेप्चल ड्रेस उनके लिए बोल रहा हूँ और एल पी स्कैल्प का अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने एल की एल पी स्कैल्प बहुत बार कर रखा है इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको एल पी स्कैल्प की बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जहां पर मैंने एंट्री लेके दिखाई है जहां पर मैंने रडार में अपने कॉल या पुट को डाला उसके वेट किया उसके लो लगने का लो लगने के बाद जब वो पलटा वहां पर एंटर किया और छोटे से रिस्क के अगेंस्ट हमारा बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया तो उसको रेफर जरूर करना यूट्यूब की प्ले लिस्ट में आपको उससे टेड काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए गाइज बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड।